लखनऊ से आपको खबर बता रहे, जहां उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे का बयान सामने आ गया है, हम गठबंधन में सपा के प्रत्याशियों को जिताएंगे। बीजेपी को हराने के लिए यह फैसला काफी जरूरी है। कल अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया था, साइकिल पर लड़ेंगे 9 सीटों के सभी प्रत्याशी। तो देखिए पिक्चर क्लियर हो गई है। अभी तक जो सस्पेंस था कि क्या कांग्रेस भी यहाँ पर प्रत्याशियों को उतारेगी, वो सस्पेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है। अब साफ तौर पर राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कह दिया है कि हम गठबंधन में रहकर सपा के प्रत्याशियों को ही जिताएंगे। तो 9 सीटों पर सपा के प्रत्याशी ही यहाँ पर दावेदारी पेश करने वाले हैं, सपा ही अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। कांग्रेस सपा का साथ देगी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी। तो देखिए अविनाश पांडे का बयान आपने सुना, राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब जो है जो उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। आलोक राय हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आलोक जी, अभी तक सस्पेंस था उपचुनाव को लेकर कि कांग्रेस क्या यहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारती है, लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस के महासचिव ने कह दिया है कि हम सपा का ही साथ देंगे गठबंधन में रहकर। देखिए बिल्कुल जो है ये बड़ा अपडेट है। कल अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक्स पर एक लंबी पोस्ट की थी और लिखा था कि बात सीट की नहीं है बल्कि बात जीत की है और पीडीए न बटेगा न कटेगा। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा था कि अब जो भी 9 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं विधानसभा के, उनमें अगर कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अगर उसका भी कोई कैंडिडेट उतरता है, चुनाव लड़ता है, तो वो सपा के सिंबल पर यानी साइकिल पर ही लड़ेगा। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में 9 सीटों पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रही है, बल्कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। आज दिल्ली में जो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी है उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की। अविनाश पांडे ने साफ साफ कहा है और ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जो है सीधे प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी, बल्कि वो सपा के साथ रहेगी और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको जो है समर्थन देगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है उसके मुकाबले विपक्ष जो है गोलबंद हो रहा है, और समाजवादी पार्टी को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को मिलाकर 43 सीटें यानी 37 सीट समाजवादी पार्टी को और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और इसीलिए अखिलेश यादव लगातार तैयारियां कर रहे थे। जो 2 बची हुई सीटें थी उन पर भी आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने भी 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, 1 प्रत्याशी लोकदल का होगा जिसकी सूची आना बाकी है, इसके अलावा जो है 1 और प्रत्याशी की सूची आना बाकी। कुल मिलाकर आलोक जी, इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ हमें उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएगी, और अब आने वाले समय में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी मिलकर प्रचार प्रसार करती हुई हमें नजर आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।